शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर दुर्ग के गोंडवाना भवन परिक्षेत्र बघेरा द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज की महिलाओं और युवतियों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुति की गई। छत्तीसगढ़ के गौरव प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर गोंडवाना भवन परिक्षेत्र बघेरा दुर्ग के बैनर तले रविवार को भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आदिवासी समाज के द्वारा शहर भ्रमण के लिए पारंपरिक वेशभूषा में समाज की महिलाएं, युवतियां और युवाओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के युवाओं ने पारंपरिक नृत्य करते हुए दुर्ग के पटेल चौक पर अपनी प्रदर्शनी दी। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। वीर नारायण बलिदान दिवस है आज 10 दिसंबर को। हमारे वीर थे जो सही वीर नारायण जी, उनको तोप से उड़ाया गया था और उनका शहादत दिवस है आज। और हम हर साल उनका शहादत दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पूरा दुर्ग जिले दुर्ग में रैली के रूप में निकालते हैं, और निकाल के इस साल हमारे यहाँ बघेरा में करते थे। इस बार वीर नारायण की मूर्ति स्थापना हुई है बस स्टैंड दुर्ग में, तो हम दुर्ग बस स्टैंड से रैली के रूप में निकल करके पूरा बघेरा हमारा परिक्षेत्र है वहाँ पर समापन करेंगे इस रैली का। और रैली का उद्देश्य ये है कि हमारे वीर सपूत थे जो अंग्रेजों से लोहा लेके लड़े थे, अब उनका शहीद हुए थे, उनको हमेशा सबके गोंडवानों के दिल में राज किए हैं और हमेशा हम उस बात को भूलना नहीं चाहते। इसलिए रैली के रूप में और सबको जगाते हैं कि सही वीर नारायण की तरह आप जियो और सबको उनकी नक्शे कदम पर चलने की अफजाई देते हैं और कहते हैं कि आज सही वीर नारायण जैसे हमारे गोंडवाना राज में गोंडवाना के बहुत सारे वीर थे जो प्रथम लड़ाई अंग्रेजों से लड़े थे, और आज भी उसको हम जगाए हुए हैं और जगाने के खातिर ही हम लोग रैली के रूप में निकालते हैं। और क्या कहते हैं, संदेश भी देते हैं कि जागो, जैसे हमारे वीर सपूत लड़े हैं वैसे अपने हक के लिए लड़ो और हक के लिए लड़ने के लिए सबको प्रोत्साहित कर। नारायण दिवस समारोह यहाँ दुर्ग नगर परिक्षेत्र बघेरा के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति हम लोग मनाए जाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा शहीद जो है, हम उनके जो संकल्प है उनको पूरा करना चाहते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।